में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था, जलप्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी भावना थी वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है। अब केदारनाथ धाम एक दिव्य भव्य नव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, यहाँ पर रुद्राभिषेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसा भी अद्भुत संयोग जब वहां इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए, तो यह अद्भुत संयोग बनता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी। इस समय नर नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश की जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो इसके पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, रूपांतरण और कायांतरण की हरनिश प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदारूढ़ होने के बाद अगर देखें तो इस पूरी की पूरी परियोजना में अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं। बेहद विहंगम दृश्य है, अतुलनीय और अलौकिक, आध्यात्मिक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय छटा है इस पूरे केदारनाथ धाम की, जो कि मेरु और सुमेर पर्वतों के बीच में केदार घाटी में बाबा का दिव्य धाम है। जो यहाँ पर स्थायी निर्माण कार्य किए गए हैं, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार का कार्य किया गया है उसकी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ श्री बद्री केदारनाथ धाम से संबंधित अधिकारीगण, उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और साथ ही साथ यहां पर बद्री केदारनाथ धाम के अनेक